चलो अब सुनो, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं ये जेआईजीएल में भी है, जेआईजीएल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैप्टर में, ठीक है? अब मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी बहुत डिटेल में अंदर घुस के वहां पढ़ाऊंगा जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा, अभी लिस्ट के तौर पे पढ़ा दे रहा हूं, चलेगा ना? चलिए अब सुनो, इधर सुनो, सबसे पहले बताओ गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है, जल्दी बताओ, हैं? क्या बोल रहे हो? ये है ना, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी है जिसका 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल किसने ले रखा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या स्टेट गवर्नमेंट ने, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके, ये तो डायरेक्ट रूट है। और एक जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होगी वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही मानी जाएगी, यही दो रूट है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए सरकार का कितना पैसा लगा हुआ हो, 51% पैसा लगा हो, तो सरकार की होल्डिंग अगर 51% है तो भी सामने वाली कंपनी क्या बन जाती है? गवर्नमेंट। अब सुनिए, अब जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूं वो ये है, ध्यान से सुनिएगा आप, ये हेडिंग बोलो, क्या गवर्नमेंट कंपनी को स्टेट का दर्जा मिलेगा? अभी बताया था ना, स्टेट वो होते हैं जो पूर्ण सरकारी होते हैं, 100% सरकारी होते हैं। और याद रखिएगा, स्टेट हो जाने से बड़ा फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर स्टेट का डेफिनेशन है, इसलिए मैंने बोला ये ज्यादा आपको तब समझ में आएगा जब आप क्या पढ़ेंगे, जेआईजीएल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं, याद रखना अगर आप स्टेट के डेफिनेशन में आ गए तो याद रखना जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। कहा जाता है कि भारत में फंडामेंटल राइट्स दिलवाना स्टेट का काम है, स्टेट का मतलब सरकार। तो क्या गवर्नमेंट कंपनी स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करेगी? मैं ये बोल रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट की होल्डिंग 51% से भी काम चल जाता है वो गवर्नमेंट कंपनी तो बन जाती है, और 51% होल्डिंग 100% होल्डिंग तो नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि स्टेट, स्टेट का मतलब हो गया एकदम सरकार, देश, स्टेट का मतलब देश, सरकार। और याद रखें स्टेट के डेफिनेशन में फॉल करने का मतलब है यू बिकम लाइबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जैसे आईसीएसआई स्टेट के डेफिनेशन में है क्योंकि वो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में बना है, एलआईसी स्टेट में हो जाएगा, समझे? इन लोगों के लिए स्पेशल एक्ट पास हुआ इस वजह से, जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सब स्टेट के डेफिनेशन में। लेकिन क्या गवर्नमेंट कंपनी भी स्टेट है? क्योंकि सरकार की होल्डिंग तो 51% है, आज 51% से घटा के 49 कर दे तो कहां स्टेट हुआ? आप समझ रहे हो? तो सुनिएगा, ये इतना आसान नहीं है, इस पर दो केस हुआ, आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, दोनों केस का नाम बोलो। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट तभी होगा जब इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। कितने कंडीशन है नीचे? छह। अच्छा, छह नहीं सेटिस्फाइड है तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी तो है पर वो स्टेट नहीं है, है ना? तो गवर्नमेंट कंपनी का स्टेट होना तभी होगा जब छह में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। पहला, सरकार ने 51% लिया है या एंटायर? एंटायर का मतलब लिखो 100%। तो याद रखना स्टेट तभी होगा जब 100% होल्डिंग सरकार की हो, पर गवर्नमेंट कंपनी में जरूरी है कि 100% होल्डिंग हो, 51% पे भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाता है। तो याद रखना इसका मतलब नॉर्मल गवर्नमेंट कंपनी स्टेट नहीं होगा, वही गवर्नमेंट कंपनी स्टेट है जिसमें सरकार की होल्डिंग 51% नहीं 100% है। पहला बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलो दूसरा, अभी स्टेट टू स्टेट क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ाऊंगा, अभी छोड़ दो आप, बस समझो स्टेट बहुत बड़ा भारी भरकम वर्ड है इस देश में, स्टेट का मतलब पूरा सरकार, समझ में आ गया? सरकारी कंपनी और सरकार दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? सरकारी कंपनी में बस सरकार का 51% पैसा लगा हुआ है, सरकार आज 51% से कम कर ले तो कहां रही सामने वाली सरकारी कंपनी? और सरकारी कंपनी तो 51% भी बन जाती है, बाकी 49% तो किसी और का है। अब बाकी 49% पे तो कम से कम तुम्हारा एसआर तो खराब कर ही देगा वो, तो सरकार का पूरा कंट्रोल कहां हुआ? तो या तो स्टेट वो माना जाएगा जिस पर सरकार का पूरा कंट्रोल हो, और सरकार का पूरा कंट्रोल तब होगा जब 100% शेयर सरकार ने लिया हो, कोई बाहर का शेयर होल्डर हो ही ना। मुझे लगता है ये समझ में आ गया तुम्हें। दूसरा आ जाओ, दूसरा, हो सकता है कि सरकार ने शेयर्स ना खरीदा हो,
लेकिन सरकार का फाइनेंशियल असिस्टेंस, सरकार का स्टेट का मतलब सरकार, फाइनेंशियल असिस्टेंस इतना है कि पूरा खर्चा सरकार उठा रही है तो भी बात बराबर ही हो गया। चाहे 100% शेयर तुम्हारा खरीद ले, चाहे 100% तुम्हारा खर्चा उठा ले, बात तो बराबर ही। तो याद रखना, अगर 100% खर्चा भी सरकार उठा रही है तुम्हारा तो भी तुम स्टेट मान लिए जाओगे। क्या मान लिए जाओगे? स्टेट। तो दो ग्राउंड मिल गया, बोलो क्या क्या। 100% शेयर कैपिटल सरकार खरीद ले, या दूसरा 100% खर्चा उठा ले। क्लियर है जी? आ जाओ तीसरा नंबर पे। मालूम चला वो कॉरपोरेशन मोनोपोली स्टेटस ले रहा है, और मोनोपोली स्टेटस उसको किसने दिया? सरकार ने खुद। अब मोनोपोली तो आपको मालूम ही हुआ, इंडिया में सिर्फ कौन कर सकती है? सरकार। तो मोनोपोली हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है आप स्टेट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का क्या है? मोनोपोली है। IRCTC, अच्छा भारत में कोई और वेबसाइट ट्रेन का टिकट बेच सकता है? अब तुमको लग रहा हो सर हमने तो दूसरे वेबसाइट से ट्रेन का टिकट खरीदा, पर टिकट का ऑरिजिन तो IRCTC है। तो भारत में टिकटिंग का काम ओनली कौन कर सकता है? IRCTC। इसका मतलब IRCTC को क्या मिल गया? मोनोपोली। मोनोपोली को किसने दिया? सरकार ने खुद दिया। तो IRCTC लिमिटेड बिकम्स द स्टेट। जिनके पास मोनोपोली है दैट बिकम्स द स्टेट, क्योंकि मोनोपोली सिर्फ सरकार देती है। आगे बढ़े, अगला। स्टेट का मतलब सरकार। सरकार का बताओ तो कैसा कंट्रोल है? डीप कंट्रोल है। और प्रवेशी, प्रवेशी का मतलब एट ऑल लेवल, एट ऑल लेवल, हर लेवल पे उसको बोलते हैं प्रवेसिव। क्या बोलते हैं? प्रवेसिव। प्रवेसिव का मतलब एट ऑल लेवल, ईच एंड एवरी लेवल, ईच एंड एवरी लेवल। मतलब उस कंपनी में मालूम चला प्यून से लेके MD तक का अपॉइंटमेंट किसके परमिशन से हो रहा है? सरकार के परमिशन से हो रहा है। किसके परमिशन से हो रहा है? सरकार के परमिशन से हो रहा है। तो बताइए प्यून से लेके MD तक, प्यून से लेके कंपनी सेक्रेटरी तक, आप समझ रहे हैं, उसका अपॉइंटमेंट किसके अप्रूवल से हो रहा है? सरकार के अप्रूवल से हो रहा है, तब जाके वो स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टेट। अब इस पर एक केस हुआ है, केस का नाम बोलो। PB घायलोद, बेचारा घायल हो गया लग रहा है, वर्सेस मारुति उद्योग लिमिटेड। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, लॉ में वर्सेस VS नहीं लिखते हैं, V. लिखते हैं। क्या लिखते हैं? V. कभी भी लॉ में वर्सेस VS मत लिख देना, भारत वर्सेस पाकिस्तान हो जाएगा वो। V. क्या लिखेंगे? V. देखो यहाँ पे है V. थोड़ा सा टेढ़ा V और डॉट लिखते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लॉ में वर्सेस कैसे लिखते हैं? VS या V. V. अब देखिए इधर देखिए जरा ध्यान से, आप मारुति कहा जाता है, मारुति कंपनी के बारे में, मारुति कंपनी ऐसी कंपनी रही जिसने अपने जिंदगी में लगभग हर टाइप देखा है। मारुति उद्योग लिमिटेड शुरू में गवर्नमेंट कंपनी थी, आपको मालूम है? मारुति उद्योग लिमिटेड, देख नहीं रहे हो नाम क्या है? मारुति उद्योग लिमिटेड। तो शुरुआत में अगर आपको मालूम हो कौन से गांधी थे बताओ भाई, राजीव गांधी के भाई संजय गांधी, संजय गांधी का कंट्रोल था किसके ऊपर? मारुति। आपको मालूम होगा लिबरलाइजेशन से पहले सरकार ही सारा बिजनेस करती थी, तो कार भी कौन बनाती थी? सरकार। और उस समय मारुति कंपनी बनाई गई थी। अब मारुति कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी, सोचिए गवर्नमेंट कंपनी। बाद में मारुति में जुड़ा कौन भाई? तो सुजुकी। और जब सुजुकी जुड़ा तो सुजुकी ने टेक्नोलॉजी देना शुरू किया, तो ये बन गई जॉइंट वेंचर कंपनी। क्या बन गई? जॉइंट वेंचर कंपनी। बाद में सरकार ने अपनी होल्डिंग किसको बेच दी? सुजुकी को। अब वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी बन गई है। और आपको मालूम है मारुति सुजुकी में अब इंडियन कंपनी नहीं रही, वो क्या हो चुकी है? पूरी की पूरी फॉरेन शेयर होल्डिंग। क्या है? फॉरेन शेयर होल्डिंग। आपने देखा होगा MS नहीं लगाते अब वो कार में, पहले पुराने कार में देखोगे तो उनके लोगों में MB था और S भी था, मारुति भी था और सुजुकी भी था, अब सिर्फ S लगाते हैं, आपने देखा होगा। मारुति सुजुकी की किसी भी कार को देख लो अब वाले को सिर्फ S लिखा रहता है, स्टील कलर का जो लोगो लगता है स्टील वाला, उसने सिर्फ SM खत्म है। तो मारुति, अरे मारुति का मतलब भगवान हनुमान, नहीं मालूम है आपको? हनुमान जी के नाम पे था मारुति, तो मारुति सुजुकी। तो जब तक सरकारी कंपनी थी मारुति है ना, तब तक तो मारुति वर्ड चला है, लेकिन सरकार ने जहां अपनी होल्डिंग बेची किसको? सुजुकी को। वो प्योर बन गई फॉरेन टाइप की, और वो सिर्फ S है, कौन सा वर्ड है? S सुजुकी। लेकिन आज इस देश में सबको क्या लगता है मालूम है? कि मारुति सुजुकी जो है, सुजुकी जो है वो इंडियन कंपनी है। आप जाके देख लीजिए पाकिस्तान में भी सुजुकी है, अगर वो इंडियन कंपनी होती तो पाकिस्तान में तो नहीं होती कम से कम।
पाकिस्तान में भी सुजुकी है, हर जगह सुजुकी है, तो सुजुकी तो जापानीज कंपनी है ना। तो मारुति ने अपने जिंदगी में सब कुछ देखा है, प्राइवेट कंपनी भी रही है वो, पब्लिक कंपनी भी रही है, गवर्नमेंट भी रही है, प्राइवेट सेक्टर भी रही है, पब्लिक सेक्टर भी रही है, ज्वाइंट वेंचर भी रही है, अनलिमिटेड भी, सॉरी अनलिस्टेड भी रही है, लिस्टेड भी रही है। उस कंपनी ने जिंदगी में अपने सारे टाइप्स ऑफ कंपनी में अगर उसका एग्जाम्पल लिया जाए तो लगभग हर टाइप में है वो। तो ये उस समय की कहानी है जिस समय ये सरकारी कंपनी थी। आइए, कंपनी क्या थी, ये गवर्नमेंट, लेकिन इसमें सब्सटैंशियल फॉरेन होल्डिंग था, किसका, सुजुकी का, किसका, सुजुकी का। और जो फॉरेन कोलैबोरेटर था कौन, सुजुकी, सुजुकी कौन है, फॉरेन कोलैबोरेटर, उसके पास पावर था कि वो डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकता है, जितने भी कंपनी में डिसीजंस होंगे वो सुजुकी से पूछ के होंगे। तो बताइए किस बात की गवर्नमेंट कंपनी है यार ये, है हर बात में तो फॉरेन कोलैबोरेटर घुसा हुआ है, मतलब फॉरेन कोलैबोरेटर अपना डायरेक्टर अपॉइंट कर ले रहा है, फॉरेन कोलैबोरेटर से पूछ के ही मेजर डिसीजन होंगे, इसका मतलब सरकार का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल नहीं है। तो क्या सुजुकी को, मतलब मारुति उद्योग लिमिटेड को स्टेट माना गया था उस समय, स्टेट माना नहीं गया था। कहां लिखा हुआ स्टेट नहीं माना गया था बताओ, साफ साफ लिखा हुआ है गवर्नमेंट डिड नॉट एंजॉय ऑल परवेसिव कंट्रोल, और गवर्नमेंट ही उसकी पैसे की एकमात्र सोर्स नहीं थी। सुजुकी ने भी पैसा लगाया हुआ था, सुजुकी ने पैसा लगाया था, तभी तो सुजुकी कह रहा था कि मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं करोगे तुम। तो याद रखना, स्टेट में वही लोग आते हैं जिस पर पूर्ण कंट्रोल किसका हो, सरकार का। लेकिन क्या मारुति पे पूर्ण कंट्रोल था उस समय, उस समय भी पूर्ण कंट्रोल नहीं था, बाद में तो खैर सरकार निकल ही गई, सरकार ने अपना सारा शेयर किसको बेच दिया, सुजुकी को। अब वो कंपनी प्योर क्या हो चुकी है, सुजुकी। आज से 20 साल पहले का कोई मॉडल देखो मारुति सुजुकी का, एम भी लिखा होता मोटा सा एम, और एस भी लिखा होता है मारुति 800 में, लेकिन आजकल के जितने कार सारे हैं सब में सिर्फ एस लिखा हुआ है, क्योंकि मारुति रहा ही नहीं, उसका नाम क्या हो गया, सिर्फ सुजुकी, है ना। चलिए अगला, लास्ट में परो जल्दी, नंबर 5। मतलब मानो चलो कॉरपोरेशन कैसा काम कर रही है, सरकारी काम कर रही है। इसका एग्जांपल लिखो, डीएमआरसी लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, डीएमआरसी लिमिटेड नाम लिखा। अब बताओ डीएमआरसी लिमिटेड क्या काम करती है, मेट्रो रेल चलाती है। बहुत लोगों को लगता है नहीं कि मेट्रो भी रेल है, एक बार पटरी पर लेट के देखना पता चल जाएगा कि ये भी रेल है ना। मेट्रो को लोग ना बड़ा हल्का समझते हैं, अरे यहाँ तो कूद भी जाऊँगा तो कुछ नहीं होगा, अरे यार ये भी रेल है, मेट्रो रेल। रेल काम किसका है देश में, सरकार का। अरे रेल चलाना किसका काम है, सरकार का, पर मेट्रो रेल कौन चला रहा है, डीएमआरसी लिमिटेड। तो इसका मतलब डीएमआरसी लिमिटेड सरकारी काम तो कर रहा है, तो डीएमआरसी लिमिटेड क्या मानी जाएगी, आपकी स्टेट मानी जाएगी। समझ में आ गया। अगला, सरकार का ही डिपार्टमेंट किसी को ट्रांसफर कर दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, लिखो पैन कार्ड बनाना किसका काम है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। अरे पैन कार्ड बनाना किसका काम होना चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आईटीडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, लेकिन काम कौन करता है, एनएसडीएल। अब एनएसडीएल को पैन कार्ड बनाने का काम ही तो ट्रांसफर कर दिया गया, तो एनएसडीएल क्या माना जाएगा, स्टेट माना जाएगा, चूंकि उसको सरकारी काम ट्रांसफर किया गया है। आपको मालूम होगा जितने भी पैन कार्ड बनते हैं या तो एनएसडीएल से बनते हैं या यूटीआई से बनते हैं। यूटीआई आजकल कम ही पैन कार्ड बना रहा है, ज्यादातर मैं एनएसडीएल ही देखता हूँ। एनएसडीएल, कितने बच्चों के पास पैन कार्ड है क्लास में, उल्टा पूछ रहा हूँ, कितनों के पास नहीं है, तो कब बनवाओगे। सर पैसा होगा तो बनाएंगे हम, कोई बात नहीं है, तुम लोग को जब इनकम टैक्स सब पढ़ोगे ना, और या SBIL, तो उसमें सिखाऊंगा पैन कार्ड कैसे बनाया जाता, खुद ही बना लोगे अपना पैन कार्ड, आता है, लेकिन फिर भी नहीं बनाया। हाँ बड़ा अच्छा काम कर रहे हो भाई, पैन कार्ड तो होना ही चाहिए, है ना। और पैन कार्ड का ये मतलब कतई नहीं है कि अगर पैन कार्ड है तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। क्लास में कितने बच्चे हैं जिनके पास पैन कार्ड, या साफ देख के लग रहा है कि उनके पास इनकम नहीं है, कहा इतनी बेइज्जती, कितने लोग पास पैन कार्ड है, देखो एक दूसरे को देख के देखो कहीं से लग रहा है इनकम इनके पास, लेकिन पैन कार्ड है इनके पास, तो पैन कार्ड ले लीजिए आप। चलिए अच्छा, लेकिन फिर एक केस हो गया, केस का नाम बोलो, हिंदुस्तान स्टील वर्कर्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ करेला, अच्छा केरला, पढ़ो इसको। आज ही मैं तुम लोग को पढ़ा रहा था पीएफआई, स्टैचुरी कॉरपोरेशन, भले ही पीएफआई पर सरकार का कंट्रोल हो, भले ही स्टैचुरी कॉरपोरेशन पर सरकार का कंट्रोल, लेकिन फिर भी उसके एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय नहीं माने जाते। इसी तरीके से गवर्नमेंट कंपनी है, क्या गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय माने जाएंगे, नहीं, वो उस कंपनी के माने जाएंगे मात्र। सेल का स्टाफ ये बोलेगा मैं सेल का स्टाफ हूं,
ना कि सरकार का स्टाफ, नहीं समझे, ओएनजीसी का स्टाफ, ये बोलेगा मैं ओएनजीसी का स्टाफ हूं ना कि सरकार का हूं, डीएमआरसी का स्टाफ, ये बोलेगा मैं डीएमआरसी का स्टाफ हूं ना कि मैं सरकार का स्टाफ हूं। बात समझ रहे ना, ये मैंने आपको बता दिया था कि अगर एक बात बताइए, सरकार की होल्डिंग मात्र 51% है, आज होल्डिंग पीछे खींच लेगा तो प्राइवेट सेक्टर बन गया। तो क्या कभी सरकारी कंपनी को सरकार कहा जा सकता है? वो तभी कहा जा सकता है जब ये 6 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। कौन से 6 कंडीशन? सरकार की होल्डिंग 100% हो, सरकार 100% खर्चा उठाती हो, सरकार का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल हो, सरकार ने उसको मोनोपोली स्टेटस दिया हो, सरकार का एक डिपार्टमेंट उसको ट्रांसफर हुआ हो और वो सरकारी काम कर रहे हो। चलो मैं रिविजन करा दे रहा हूं। सबसे पहले बोलो कब गवर्नमेंट कंपनी स्टेट माना जाएगा? 6 केस में बोलो, 6 केस बोलो, पहले 6 केस, 6 केस, दो केस का नाम बोलो, है केस का नाम, केस ऊपर जो नाम था, केस लॉ, आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 6 टेस्ट दिए। कितने टेस्ट दिए? 6 टेस्ट दिए। इस टेस्ट में से एक भी टेस्ट में अगर आप पास हो गए तो आप स्टेट है, अदरवाइज आप स्टेट नहीं है। पहला, 100% शेयर कैपिटल किसने लिया हो? सरकार ने, नंबर वन। नंबर टू, 100% खर्चा कौन उठा रहा हो? सरकार। नंबर थ्री, सरकार का डीप एंड परवेसिव कंट्रोल हो। नंबर चार, सरकार ने उसको मोनोपोली स्टेटस दे दिया हो। नंबर पांच, वो सरकारी नेचर का काम कर रहा हो, पब्लिक इंपॉर्टेंस का काम कर रहा हो। नंबर छह, सरकार का डिपार्टमेंट उनको ट्रांसफर हो गया हो। चलो छह बोलो जल्दी से। ये 6 टेस्ट लिखा साइड में जैसे मैंने लिखा। अच्छा, 6 टेस्ट होना चाहिए 6 में से कोई। हाँ, तो एनी ऑफ द 6 स्टेट, एनी ऑफ 6 टेस्ट, ठीक है, याद रहेगा। अब जब जेआईजीएल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा तो डिट्टो यही आएगा। अब मैं तुमको बोलूंगा कि मैंने कभी पढ़ाया है, अब तुम क्या बोलोगे? कब? हमने तो पहली बार सुना है आज। अगर ऐसे बोले तो फिर तुम देख लेना क्या करूंगा तुम्हारे साथ, याद रहेगा ना? तो चलिए ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो गया, KHATAM, खत्म।